गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक 10.3, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा STPs नाम से शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है, तो कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमें एक्सप्लेन क्या करना है। बेसिकली फुल फॉर्म ऑफ STP इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि पहले हम सीवेज को कैसे ट्रीट करके बिल्कुल साफ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन है वही है कि व्हाट इज बेसिकली सीवेज। तो बेसिकली सीवेज क्या है हमारा, जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है, चाहे वो ह्यूमन एक्सक्रीटा हो, चाहे वो टॉयलेट वेस्ट हो, चाहे वो वॉशरूम वेस्ट हो, चाहे वो किचन वेस्ट हो, ये सभी, इन सब को हम सीवेज वेस्ट कहते हैं बेसिकली। ओके, तो ये वाटर कहाँ जाता है, ये बेसिकली ड्रेनेज से बड़ी सीवर लाइन में जाता है, और सीवर लाइन से ये जहाँ भी ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ जाता है। जब भी इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा STP के नाम से ही पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा, पहले जनरली मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या है, आपने सुना होगा यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना, यमुना एक्शन प्लान, ये दोनों क्या हैं? बेसिकली ये हमारी रिवर्स हैं, पर इनमें होता क्या है, इनमें हर रोज मिलियंस ऑफ मिलियन गैलन जो सीवेज वाटर है ये सारा का सारा इसमें गिर जाता है। इसकी वजह से जो हमारी रिवर्स हैं वो पॉल्यूटेड हो गई हैं, और पॉल्यूटेड होने से इसके अंदर क्या हो रहा है, जो पहले फिश और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो धीरे धीरे डिसअपियर हुए। आपने सुना होगा कि गंगा के अंदर कभी कभी पहले ब्लू डॉल्फिन्स जो फिश होती है, डॉल्फिन फिश थी ये मिलती थी, लेकिन आजकल ये दोस्तों डिसअपियर हो गई है। अभी रिसेंटली जब COVID-19 के कारण करीबन 50 डेज का ये टोटल लॉकडाउन हुआ, तो इस लॉकडाउन के पास क्या हुआ, रिवर्स अपने आप क्या हो गई, क्लीन हो गई, और हमें ये जो डॉल्फिन है फिश ये दोबारा हमें देखने को मिली, क्योंकि ये भी लाइफ फॉर्म है, इन्हें भी क्लीन वाटर चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो इसके लिए हम आज इसको पढ़ेंगे। ओके, तो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ STP। इसमें हमें दो प्रोसेस होते हैं, पहला है इसका फिजिकल ट्रीटमेंट और सेकंड है इसका केमिकल ट्रीटमेंट। तो इसको हम दोनों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसको फिजिकल ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, इसको फिजिकल ट्रीटमेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले किया जाता है। इसके दौरान क्या किया जाता है, क्योंकि हम बात फिजिकल की कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम कोई ऐसा कोई केमिकल नहीं डालते हैं। सबसे पहले हमारे को इसमें से वेस्ट रिमूवल करना है, वाटर से वेस्ट रिमूव करना है, रिमूवल करना है कौन सा, जो कि अनडिजॉल्व है। इसके लिए क्या किया जाता है, जो भी वाटर आ रहा है उसको जालियों से निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं बार स्क्रीनिंग। इस बार स्क्रीनिंग से अनडिजॉल्व, चाहे वो वुड पीस हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे कोई थर्माकोल पीस हो, ऑल अनडिजॉल्व इम्प्योरिटी कैन सेपरेटेड आउट। ओके, तो ये बार स्क्रीनिंग होती है। इसके बाद में क्या होता है, इसको बड़े से एक कंटेनर में, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा होता है इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, इस पानी को इसके अंदर छोड़ दिया जाता है करीबन एक रात के लिए। एंड फाइनली व्हाट हैपन्स ड्यू टू दी ग्रेविटी, बिकॉज यू हैव अलाउड द वाटर टू स्टे एयर फॉर 24 आवर, देन व्हाट हैपन ड्यू टू द ग्रेविटी, बहुत सारी चीज़ें नीचे सेटल हो जाती हैं। क्या होती हैं ये होती हैं ग्रिट, सॉइल, स्मॉल
पेबल्स ये पत्थर, ग्रिट कहते हैं सॉइल की, एक सॉइल में थोड़ी सी जो बड़ी साइज होती है उसको हम ग्रिट कहते हैं, ठीक है। ये इस सेटलिंग टैंक में सेटल हो जाता है, ठीक है। और सेटल होने के बाद जो नीचे ये कचरा बचता है दैट इज कॉल्ड, दैट इज ऊपर वाटर है ये, एंड ये नीचे सेटल हो गया। दिस सेटल इज कॉल्ड, मटेरियल इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज, इसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। और ऊपर जो रह जाता है जिसको हम कहते हैं सुपर नेटेंट वाटर, इसको हम सुपर नेटेंट वाटर को कहते हैं इफ्लुएंट। अब जो भी कोई सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा इस इफ्लुएंट का होगा, इस ऊपर जो वाटर है इसका हम इफ्लुएंट का ही हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे, इसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट या हम इसको केमिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए फॉरवर्ड कर देंगे। दैट इज द बेसिक स्टेप। ओके नाउ मूव ऑन सेकेंड स्टेप। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं हम इसको। इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, इसको हम केमिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये स्टेप्स यूज होता है। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप है एरेशन टैंक। दोस्तों वाटर को कंटेनर में डाल करके जो वाटर है इसके अंदर, इसको तेजी से रोटेट किया जाता है, इसके अंदर एयर है वो डाली जाती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये मैकेनिकल प्रोसेस है। अच्छा अब इसमें एयर डाल दी तो अब होगा क्या, इन सभी के अंदर क्या होता है एरोबिक बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट है, कैसा डिसॉल्व्ड। फाइनली क्या होगा, जब एयर आएगा और ऑर्गेनिक वेस्ट है इसके अंदर है तो ये एरोबिक बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करेंगे, और फाइनली साथ में क्या होगा, इससे तेजी से क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया ये ग्रो करेंगे। इस ग्रो करने से जो चीज बनेगी हम उसको कहते हैं फ्लॉक्स। बेसिकली फ्लॉक्स क्या है, बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया है, इसको एयर मिल रही है, इसको रोटेट कर रहे हैं तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ग्रो करेगा तो फ्लॉक्स बनेगा। ये फ्लॉक किसका कहते हैं हम, फ्लॉक कहते हैं बैक्टीरियल एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि फ्लॉक्स किसे कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इसका। ओके वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद क्या होगा, बेसिकली बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज करेगा और तभी तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट को ये क्या करेगा, इसका ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करने से जितना भी क्या होगा वाटर क्लीन हो जाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज हो जाएगा, और फाइनली ये सारा का सारा सेटल हो, ये जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन को यूज़ किया एयर में से, और ये फंगल एलिमेंट फ्लॉक्स ग्रो कर गए, ये फ्लॉक्स यहाँ ऊपर की तरफ फ्लोट करते रहेंगे, इधर रहेंगे, और जबकि सारी भी ऑर्गेनिक वेस्ट डाइजेस्ट होकर के नीचे सेटल हो जाएगा। इसको ही सेटलिंग टैंक में, इसी अब हम जो सेटल हुआ है ठीक है ना, ये सेटल मटेरियल जो है ना इसको ही हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। इसके बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी बैक्टीरियल फ्लॉक सेटल हो जाते हैं एस ये सेडिमेंट हो जाते हैं, ये जो ऊपर घूम रहे थे ये सारे के सारे फ्लॉक्स
और ये सब कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसको डाइजेस्ट करके ये सब कुछ नीचे बैठ जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ये सब कुछ नीचे बैठ जाएगा, ये फ्लॉक्स भी सेटल हो जाएंगे, इसी को हम एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। अब हमारे को क्या करना है, अब इसका इस वाटर को नेक्स्ट चैम्बर में एनएरोबिक इसका डिकम्पोजिशन होगा, एनएरोबिक स्लज डाइजेशन या डाइजेस्टर्स कहते हैं इसको। इसमें क्या होगा, अब इसमें कोई एयर नहीं डाली जाएगी, अब इसके अंदर क्या होगा एनारोबिक। ऑलरेडी क्या होता है कि जो भी वेस्ट वाटर होता है इसमें कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया कैसे हैं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। ये एनारोबिक बैक्टीरिया जब इस वाटर का डिकम्पोजिशन करेंगे, इसका वाटर के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसका ऑर्गेनिक वेस्ट, तो इसके दौरान क्या निकलेगा, इसमें से कुछ गैसेस निकलेगी। ये गैस कौन कौन सी है, ये गैस निकलेगी मीथेन, ये निकलेगी आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारी की सारी गैसेस क्या होती हैं, ये गैसेस जो हमें बाहर नहीं मिलती है इसमें, इसको हम कहते हैं बायोगैस, दैट इज कॉल्ड बायोगैस। तो बैक्टीरिया व्हेन एनारोबिकली डाइजेस्ट दी दिस इफ्लुएंट, क्योंकि ये ऊपर जो मटेरियल रह गया इसी को ही तो करेगा, ये इफ्लुएंट को ही जो हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट से मिल रहा है, इस इफ्लुएंट को डाइजेस्ट करेगा एनारोबिक वे में विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें से हमें क्या मिलेगा, मीथेन निकलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2, ये बायोगैस होती है। इसी बायोगैस को बड़ी शहरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से बाय पाइपलाइन गुजरात और दिल्ली और बड़े शहरों में पाइपलाइन से फ्लैट्स में सप्लाई कर दिया जाता है, जो कि एज ए फ्यूल यूज होती है, वेरी इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू गैस सिलेंडर। ओके ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, इसमें ये सारा का सारा प्रोसेस है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद में क्या होगा, ये जो सीवेज वाटर है इसको आगे का कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस वाटर में से सब कुछ निकल गया, अब ये वाटर थोड़ा क्लीन हो गया है, अब इसमें हमें क्या करना है, ज़्यादातर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में इसको क्लोरीन गैस या यूवी रेज या ओजोन गैस से इसको ट्रीट करते हैं। ओजोन गैस से ट्रीट करने से जितने भी कोई बैक्टीरिया इन केस अगर रह जाते हैं तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, और इसके बाद में इस वाटर को दोबारा फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद इसमें वापस O2 पोर की जाती है और फिर इसकी टेस्टिंग होती है। इस टेस्टिंग में अगर ये वाटर पास हो जाता है, फाइनली दिस वाटर कैन बी सप्लाइड इफ इट इज इट कंटेन्स और फॉलो दी ऑल दी फुलफिल दी पैरामीटर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर, देन इट मीन्स दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो ये वाटर सप्लाई के लिए साफ कर दिया जाता है, बड़े शहरों में काम ऐसे ही होता है। और अगर ये इसकी पैरामीटर थोड़ा कम है तो इसको पूरे ट्रीटमेंट से वापस गुजारा जाता है, या फिर इसके दो काम हो सकते हैं, या तो इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है इफ इट इज क्लीन, ओके सेफ, इफ इट इज सेफ एंड क्लीन देन इट इज यूज कैन बी सप्लाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, अदरवाइज इफ इट इज क्लीन एंड सेफ देन इट कैन बी पोर्ड इन टू द रिवर और नियर बाय वाटर बॉडीज। ओके ये प्रोसेस होता है इसमें। अच्छा अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट ईयर जो अपना मार्च 2020 एग्जाम में था इसमें आ चुका है, इससे पहले भी ये रिपीट हुआ है। ये क्या होती है, दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर बाय बैक्टीरिया, मतलब 1 लीटर
वाटर में इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे वो कुछ भी हो, इसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी O2 की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, लेकिन अब इसमें खासियत है दोस्तों, अगर वाटर की BOD, पीछे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों, ज्यादा बेटर रहेगा, BOD से ये नोट कर लो, अगर वाटर की BOD हाई है तो इसका मतलब है वाटर इज पॉल्यूटेड, और अगर BOD क्या है, लेस, नेग्लिजिबल भी कहेंगे, देन वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ ये? यानी अगर वाटर की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा, डेट मीन इट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड बैक्टीरिया रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन टू डाइजेस्ट दैट, दैट्स माई दिस वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। अगर ऑक्सीजन डिमांड कम है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, दैट मीन्स इस वाटर इज सेफ। ओके, नाउ थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी अवर कंसेप्ट 10.4।